हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिक्स बैग। आज मैं आपके साथ कंटूरिंग, हाइलाइटिंग और ब्लशिंग का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ और मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना भी चाहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे कंटूरिंग के लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि कंटूरिंग किट होना चाहिए, लेकिन अगर है तो बेस्ट है। तो मेरे पास यहाँ पर है माई ग्लैम का पोज HD ब्रॉन्जर और ये भी है मेरे पास माई ग्लैम का ही। इसका नाम है 3-in-1 हाइलाइटर ब्लश ब्रॉन्जर। सो माई ग्लैम का चिजल इट, ये दोनों प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे हैं। तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, ऐसे कंपलसरी नहीं कि आपको माई ग्लैम का ही लेना है। इवन अगर आपके पास कॉन्ट्यूरिंग किट नहीं है तो आप मैट वाला जो ब्राउन आई शेडो है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो माई ग्लैम का जो चिजल इट किट है वो कुछ ऐसा दिखता है कि एक तरफ मिरर है और एक तरफ है ब्रॉन्जर, ब्लश और हाईलाइटर, और ये बहुत ही अमेजिंग किट है। माई ग्लैम से अगर आप कभी भी परचेस करते हो तो मेक श्योर आप ऑफ़र में ही लेना, इसको कभी भी MRP में मत खरीदना, क्योंकि इसका जो MRP है वो आई डोंट नो कितना है, लेकिन मुझे ये मिला है अराउंड 550 में, विच इज़ अ वेरी गुड डील। और एक प्रोडक्ट है मेरे पास कॉन्ट्यूर करने के लिए, तो ये है माई ग्लैम का पोज HD ब्रॉन्जर। सो इसके अंदर दो शेड है और मैं जब भी यूज़ करती हूँ इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि 19-20 से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कॉन्ट्यूरिंग किट होना चाहिए। अगर आपके पास ब्राउन कलर का मैट आई शेडो है, लाइट ब्राउन जो आपकी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हो। मैंने उसका ट्यूटोरियल शेयर किया है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी एट द एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे कॉन्ट्यूरिंग के जो स्टिक आती है, एक तरफ हाइलाइटर होता है और एक तरफ कॉन्ट्यूरिंग स्टिक होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे तरीके से आप कॉन्ट्यूरिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको एट द एंड क्या करना है, शेड्स ही क्रिएट करने होते हैं। पर अगर आपके पास इस टाइप का ब्रॉन्जर है और आप हर बार आपको बार बार मेकअप करना होता है, तब आप ज़रूर बाय करें। ये जो माई ग्लैम का पोज HD ब्रॉन्जर है, इसका जो MRP है वो है 699, पर मुझे मिला है 199 में। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप माई ग्लैम से कुछ भी परचेस करते हो तो ऑफ़र देख के ही परचेस करें, क्योंकि उसमें आए दिन कोई ना कोई अच्छा ऑफ़र आता ही रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्यूर करके बताने वाली हूँ, और उसके लिए मेरे पास इस टाइप का एंगल्ड ब्रश है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे मेकअप ब्रश नहीं हैं, तब भी आप पाउडर ब्रश जो होता है बहुत बड़ा, इस तरीके का जो ब्रश होता है, बड़ा सा पाउडर ब्रश, वो बहुत कॉमनली मिलता है, हर किसी के पास होता ही है, तो वो भी चलेगा, ठीक है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट इतना रूल नहीं है, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे कीजिए। तो मैं पोज HD ब्रॉन्जर यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हमेशा नॉर्मली यही वाला यूज़ करती हूँ। तो आपको ये जो अपने ईयर्स के नीचे से लेके यहाँ तक इस तरीके से करना है, स्ट्रेट लाइन में ही करना है और लिप्स को टच नहीं करना है, बस लिप्स के नियर जाना है। अगर आप कोई वेडिंग फंक्शन के लिए कर रहे हो तो आप थोड़ा ज़्यादा करें, और मेकअप कंप्लीट होने के बाद एक और एक बार कॉन्ट्यूर करें, ताकि एक अच्छा सा टचअप हो जाए। और अगर आप एवरीडे यूज़ के लिए कर रहे हो तो बस हल्का सा भी काफ़ी हो जाता है। नेक्स्ट, अभी नोज़ को कॉन्ट्यूर करेंगे हम लोग, और नोज़ को कॉन्ट्यूर करने के लिए यहाँ पर एक हम ब्रश रखेंगे, जिससे क्या होगा कि एक शार्प लाइन यहाँ पर आएगी। वैसे तो ज़रूरी नहीं है ब्रश का होना भी, आप इस तरफ करें और इस तरफ करें और ये लाइन स्किप करें, बट कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाती है, इंसान है, तो हम एक ब्रश यूज़ करेंगे। तो नोज़ को कंटूर करने के लिए यहाँ मैंने एक ब्रश लिया है, आप इतनी मोटी कोई भी चीज़ ले सकते हो, इवन आप पेंसिल ले सकते हो। जस्ट आपको इस तरीके से नोज़ पे रखना है और यहाँ नीचे से स्टार्ट करना है, इस तरीके से आपको कंटूर करना है, इस तरीके से। उसके बाद आप खुद ही एक शार्प एज इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से क्लोज करेंगे हम लोग नीचे की तरफ से। यहाँ मेरी नोज़ कॉन्टूर हो चुकी है, जस्ट आपको ये लाइन स्किप करके यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है, सिंपल है। उसके बाद यहाँ जॉ लाइन को करेंगे और यहाँ पर फोरहेड की तरफ से करेंगे। तो जॉ लाइन की जो लाइन है, बस उसके ऊपर से हमें कंटूर करना है।
अगर आपकी डबल चिन है उसे हाइड करना है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से लेना है। वीडियो में इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है बट इसी तरीके से किया जाता है कॉन्ट्यूरिंग। और अभी इस तरीके से फोरहेड की तरफ से भी एक एज पर जस्ट हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा शेडिंग क्रिएट करेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉन्ट्यूर करेंगे इस तरीके से। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, कोई भी एज शार्प नहीं रहनी चाहिए। मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो इतना क्लैरिटी नहीं दिखता है बट तरीका यही है, आप इस तरीके से ही कॉन्ट्यूर करना है, यहाँ से ईयर से स्टार्ट करके लिप्स तक, लेकिन लिप्स को टच नहीं करना है इस तरीके से। ओके, कॉन्ट्यूर हमें हॉलो एरियाज़ में करना होता है, जैसे ये चीक्स के गड्ढे, नोज़ के पीछे का पार्ट, और ये जो फोरहेड है, जॉ लाइन है, जो चीज़ें छुपती है, जो चीज़ें पीछे की तरफ है जहाँ पर शेडो आता है। अब हाइलाइटिंग कहाँ पर करेंगे, जो हमारा फेस का अपर पार्ट है, और हम लोग यहाँ पे जो चीक बोन्स है इसके ऊपर से इस तरीके से जस्ट टच करना है इस तरह। हाइलाइटर को हम हमारे फेस के हाई पॉइंट्स पर अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हो नोज़ बहुत ही अच्छे से हाईलाइट हो चुकी है, कंटूर हो चुकी है। आप चाहो तो लिप्स पर भी लगा सकते हो, थोड़ा सा चिन पर लगा सकते हो, जो भी एरिया आपको हाईलाइट करना है वहाँ पर हाइलाइटर लगाया जाता है। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो बहुत ही अच्छा सा ग्लो दिखता है फेस पर, तो यही पर्पस है हाईलाइटर लगाने का। आप चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, थोड़ा सा आईब्रो के नीचे, जो ये हाई पॉइंट है आईब्रो का, यहाँ पर। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। नेक्स्ट करेंगे ब्लशर। ब्लश को अप्लाई करना है ऑन दी एप्पल्स ऑफ योर चीक्स। जब आप स्माइल करते हो तो यहाँ पर एप्पल्स जैसे कुछ बनता है, तो वहाँ पर आपको ब्लश अप्लाई करना है और इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो सिंपल है कॉन्टूर, ब्लश और हाईलाइटर। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर ऐसे ही वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।